और आप देख रहे हैं कि ये एक डिब्बा रखा है सामने और कुछ लोग भी हमारे पास हैं, तो पहले इस डिब्बे पे ही नज़र हम लोग डालते हैं। इसमें देख रहे हैं आप कि एक बहुत ही ज़बरदस्त और सबके कहने के अनुसार बड़ा सुंदर भी है लेकिन बहुत ख़तरनाक सांप है और ये बच्चा है। और ऐसे सांपों की तादाद जो है यहाँ पे कई बार पकड़ी गई है। अभी 4-5 दिन पहले की बात है कि हरिप्रसाद चाचा के यहाँ से एक बहुत बड़ा कोबरा पकड़ा गया था और बंटू नंबरदार के यहाँ से तो ये तीसरा नंबर है। और इससे पहले एक विमलेश भैया के यहाँ से भी ऐसे ही कोबरे का बच्चा मिला है। और अपने एरिए में जो है रसल वाइपर और एक पकड़ा गया था, एक विधायक को पकड़ा गया और विधायक जी। तो मैं बता रहा था कि ऐसे कई सारे सांप पकड़े गए हैं, जैसे नाम अभी आपको बतलाए गए हैं और धमिला और पनिया की तो गिनती नहीं है। तो ये मतलब कहने का ये विषय है कि मैंने अनिल जी से आज ही चर्चा करी कि इसका जो है अपने तहसील स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे पता करा जाए कि एंटी वेनम की व्यवस्था सरकारी हॉस्पिटल्स में है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हादसा कभी भी हो सकता है। इस तरीके के तादाद हैं और ये हमारे साथ सभी लोग बैठे हुए हैं अपने घर के, तो आप देख सकते हैं कि वीडियो हम घर पे ही बना रहे हैं। और एक कल शाम को जो है बंटू ने अपने घर से इसको पकड़ा है और अभी इसको बाद में रिलीज़ भी कर देंगे, छोड़ देंगे कहीं पर। तो कहने का मतलब ये था, मैंने इसी बात की चर्चा करी कि इसका जो है एंटी वेनम पता करा जाए कि कितनी देर में लग सकता है, मिल सकता है, क्योंकि कभी भी ये हादसा हो सकता है। क्यों अनिल जी? बिल्कुल, तो ये वेनमस स्नेक है और ये सभी लोग जानते हैं कि इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, वो इसके जहर से बना हुआ एंटी वेनम। तो मैं आग्रह करूँगा जिम्मेदार लोगों से, जो हमारे क्षेत्र के जिम्मेदार लोग हैं, जैसे ब्लॉक प्रमुख हो गए, अपने गांव का नाम प्रधान हो गए, बीडीसी सदस्य या विधायक, सुनिश्चित करें कि हमारे यहाँ जो प्राथमिक चिकित्सालय है यहाँ एंटी वेनम की व्यवस्था है या नहीं है। अच्छा, यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ पर है, ये लोगों को जानकारी में होना चाहिए, क्योंकि लोग जानकारी के अभाव में झाड़ फूंक वालों के पास जाते हैं, जानकारी जो गांव-गांव देनी चाहिए, और झाड़ फूंक के चक्कर में उनकी मौत हो जाती है जी। तो ये गांव बसंतपुर है जो कि तेजमापुर मंजरे में लगता है, जहां थाना लोनी कटरा है, तहसील हैदर की ब्लॉक त्रिवेदीगंज लगता है। इससे पहले कि आपने कई वीडियो देखी होंगी जो हमने रेस्क्यू करने की करी है और रिलीज करने की करी है, आप देख सकते हैं बड़े स्टाइल में ये खड़ा है, डिब्बे के अंदर बंद है, नहीं तो ये किसी को हार्म भी कर सकता है, बाद में इसको जंगल में छोड़ दिया जाएगा। ठीक है अनिल जी, फिर मैं इसको बंद करता हूँ, है ना? ठीक 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 है, धन्यवाद आप सभी लोगों का।